उज्बेकिस्तान के डिप्टी विदेश मंत्री के साथ राजदूत सहित 5 लोगों का डेलीगेशन आगरा पहुंचा और ताजमहल को निहारने के बाद प्रतिनिधिमंडल नगर निगम पहुंचा तो महापौर नवीन जैन ने बुके देकर उनका स्वागत किया और नेशनल स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की। उज्बेकिस्तान डिप्टी विदेश मंत्री के साथ राजदूत सहित 5 लोगों का डेलीगेशन ताजमहल को निहारने के बाद प्रतिनिधि मंडल आगरा नगर निगम पहुंचा तो महापौर नवीन जैन ने डिप्टी विदेश मंत्री फुरकट सिडिकोव और उसकी टीम को बुके भेंट कर स्वागत किया। डेलीगेशन के स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल सिस्टम को देखा। मेयर आगरा ने स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस हॉल में डेलीगेशन को डॉक्यूमेंट्री के माध्यम खूबसूरत शहर आगरा स्मार्ट सिटी को दिखाया और उज्बेकिस्तान को इकोनॉमिक डिप्लोमेट सिरोज अजीजोव ने उज्बेकिस्तान के पर्यटन के बारे में बताया और आगरा के उद्योग और नेशनल चैम्बर के प्रतिनिधियों ने भी व्यापार को लेकर चर्चा की। कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर व्यापारिक रिश्तों के साथ पर्यटन रिश्तों को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। It's beyond of my expectation. I was dreaming to come to Agra to see Taj Mahal. First of all, I would say thank you to Nur Sal for his visionary approach to tourism, to support tourism, to maintaining the Taj Mahal as a touristic places. Today we see that India has, you know, India is a very good touristic destination in the world, but it could be a very good destination for Uzbekistan and Central Asia countries. As you know, the great Zahrad Muhammad Babur was born in my country. He came to this subcontinent from my country and we're sharing a lot of cultural values, heritage, history. Even you know, Hindu, Uzbek, we're sharing 4,000 the same roots. So we are Tora speaking in Hindi. So in this case, I think we have good potential. We invited Mersov to pay him to Uzbekistan and took with him delegation from the touristic agencies, leather production, and others. I think it's time to have very good business between two regions. हिंदुस्तान में आया और आगरा में भी आया और उनके विदेश उपमंत्री के नेतृत्व में भी प्रतिनिधिमंडल था। उन्होंने आकर आगरा में आके सबसे पहले ताजमहल देखा और आगरा नगर निगम में भी आकर आगरा की जो स्थिति है उसको जानने का प्रयास किया और एक प्रेजेंटेशन उन्होंने भी दिया अपने कंट्री के बारे में और हमने भी आगरा के सिटी के बारे में दिया। आगरा बढ़ता हुआ शहर, आगरा विकास बढ़ता हुआ शहर, उसके बारे में प्रेजेंटेशन दिया और आगरा के हमने कुछ इंडस्ट्रीस्ट को भी बुलाया और उनके बीच में बैठ के बातचीत भी हुई। और उज्बेकिस्तान में मुख्य रूप से लेदर का काम बहुत बड़ा काम है और होटल इंडस्ट्री भी वहाँ है। एक टूरिस्ट की दृष्टि से भी एक बड़ा कंट्री है। फार्मा की इंडस्ट्री है तो इस प्रकार के 2-3 उनके यहाँ पर जो बिजनेस के क्षेत्र में काम है उसके बारे में उन्होंने कहा कि इधर इंडिया के लोग भी और आगरा के लोग हमारे देश में आए